हेलो ब्यूटीफुल एंड पावरफुल लेडीज, कैसे हैं आप? आज मैं आपके सामने सिंपल फेस्टिव लुक, इट मींस देसी लुक में मॉडर्न तड़का लेके आई हूँ। काफ़ी सिंपल एंड अट्रैक्टिव लुक है। आई होप ये आपको अट्रैक्टिव लुक जरूर पसंद आएगा। सो डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गो स्टार्टेड। बेस मैंने पहले ही रेडी कर लिया है। बेस में सिर्फ सिंपल मैंने सबसे पहले तो क्लीन किया है, फेस को क्लीन जरूर करना चाहिए मेकअप करने से पहले। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है। मॉइस्चराइजर आप वही अप्लाई करिए जो आपकी स्किन को सूट करता हो। उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ किया है, लैक्मे का 95 फाउंडेशन यूज़ किया है और मेकअप किट यूज़ किया है, फेसेस कर्नाटा का फेस पाउडर यूज़ किया है। नेक्स्ट मैंने लैक्मे का आईलाइनर लगाया है। आईलाइनर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आईलाइनर से मैंने 3 डॉट्स भी रख लिए हैं चिन में और चिक्स में दोनों तरफ, जिससे गर्भा जैसा लुक भी आ जाएगा। 3 डॉट्स से पहले आपने देखा होगा कि मैंने कुछ फेस में लगाया है, तो वो फेस शीर है जो नोज में टिप नोज की टॉप में लगाया है और चीक्स में दोनों तरफ लगाया है। इससे फेस में शाइनिंग भी आ जाती है और शीशे की तरह शाइन करता है फेस। नेक्स्ट मैंने ब्लू हेवन का मैजेंटा कलर का लिप लाइनर लगाया है। जब भी लिपस्टिक लगाइए तो लिप लाइनर जरूर लगाइए, उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करिए तो बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने सुधा बिंदी के पत्ते से गोल बिंदी लगाई है, तिलक भी बेहद खूबसूरत लगता है। और अब बारी आती है हेयर स्टाइल की, तो मैंने बाल ओपन कर रखे हैं क्योंकि देसी लुक में मैंने विदेशी तड़का दिया है। मैंने उसके बाद ज्वेलरी पहन रखी है। ज्वेलरी मेरी पुरानी है तो भी इससे काफ़ी मैच कर रही है, तो मैंने वही ज्वेलरी पहन ली है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का काजल ले रखा है। कहीं कहीं पे व्हाइट बाल छूट जाते हैं तो वो दिखने में बहुत खराब लगते हैं, वो अलग से ही शाइन करते हैं तो पूरा लुक को बर्बाद कर देते हैं। तो इसी काजल से आप अपने पास इसी तरह का ब्लू हेवन का काजल रखिए और उस काजल से जहाँ जहाँ आपको व्हाइट बाल दिख रहे हैं उसको आप ब्लैक कर लीजिए, तो वो व्हाइट बाल भी छिप जाते हैं और लुक भी अच्छा दिखने लगता है, परफेक्ट लुक लगने लगता है। अब बात आती है बैंगल्स की, तो मैंने यहाँ पे बैंगल्स नहीं पहना है क्योंकि आजकल मॉडर्न लुक में बस एक हाथ में वॉच और एक हाथ में ब्रेसलेट या कड़े का ही फैशन है। सो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? आई होप आपका ये देसी लुक में मॉडर्न तड़का, इट मीन्स विदेशी तड़का जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नेक्स्ट मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर होंगी। टिल देन बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।